नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो शहरों में जो बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने जा रही है। जो नौकरी करने वाले को दी जाएगी स्पेशल छूट। विपक्ष ने श्रम और जो रोज़गार मंत्रालय से सवाल किया था कि जो COVID-19 महामारी से उभरने की जो प्रक्रिया के एक हिस्से तौर पर बेरोजगारी संकट को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया है, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है बेरोजगारी कम करने के लिए। तो आज हम आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। संसद का जो मानसून सत्र है वो जारी हो चुका है दोस्तों, और इस सत्र के दौरान सोमवार को जो केंद्र सरकार की तरफ से एक सदन में बेरोजगारी से जुड़े हुए आंकड़े भी पेश किए गए हैं। केंद्र सरकार पर विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है। विपक्ष ने सरकार के शहरों की जो बढ़ती बेरोजगारी को लेकर काफ़ी सवाल भी किया था। जवाब में सरकार ने कई ऐसे आंकड़ों को पेश किया है जो रोजगार से जुड़े हुए हैं। विपक्ष ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल किया था कि जो COVID-19 महामारी से उभरने की जो प्रक्रिया में एक हिस्से तौर पर बेरोजगारी संकट को कम करने के लिए केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा सरकार से पूछा गया है कि शहरी जो बेरोजगारी संकट को दूर करने के लिए जैसे मनरेगा के तहत कोई जो रोज़गार शुरू करने की योजना है, इस सवाल पर केंद्र सरकार श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली से भी सिर्फ सवाल ही किया था। उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान देश में जो रोज़गार के अवसरों प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, उन्हें आत्मनिर्भर भारत के अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं, संगठित असंगठित कामगारों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण अवस्था को सुधारना, और इसके लिए उन्होंने 37 लाख करोड़ रुपए का भी पैकेज तैयार किया है। उन्होंने बताया कि जो सुरक्षा लाभ के साथ साथ जो रोज़गार का सृजन करने के लिए जो नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना, रोज़गार को वापस पटड़ी पर लाना, 10 अक्टूबर 2020 से जो आत्मनिर्भर भारत रोज़गार जो योजना की जो शुरुआत की गई थी, उन्हें कहा है जो EPFO के तहत चल रही जो योजना है उसको एम्प्लॉयज़ ऊपर वित्तीय दबाव को कम करती है। साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा कि जो कर्मियों को हायर करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आए थे, सरकार बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेरोजगारी दूर हो जाए शहरों के अंदर। तो आई होप आप लोगों को बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।